हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम NBCC जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 11 जुलाई 2021 को, उस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी या इंग्लिश में आल सब्जेक्ट के वन लाइनर हैंड नोट लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। द मिक्सर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्नेड। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके सीमेंट में जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सर होता है उसे किस तापमान पर जलाया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं 1400 डिग्री सेल्सियस पर, 1200 डिग्री सेल्सियस पर, 1000 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 1600 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। सीमेंट के जो अनेक संघटकों का मिक्सर होता है उसे जलाया जाता है 1400 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर फायर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में से किसमें सबसे ज़्यादा अग्न प्रतिरोधकता के गुण हैं। मार्बल में, ग्रेनाइट में, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर में, कंपैक्ट सैंडस्टोन में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल मैकेनिक्स से। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन, यानी सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है। साइज ऑफ पार्टिकल पर, शेप ऑफ पार्टिकल पर, कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स पर या ऑल द अबव। तो सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो इन सभी पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से। सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब इज डेजिग्नेटेड बाय। लेवल ट्यूब की जो संवेदनशीलता होती है, ऑप्शंस आपको दिए हैं रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब यानी लेवल ट्यूब की जो रेडियस होती है, लेंथ ऑफ लेवल ट्यूब, लेवल ट्यूब की लेंथ पर, लेंथ ऑफ बबल ऑफ लेवल ट्यूब यानी लेवल ट्यूब का जो बबल होता है उसकी लेंथ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर इज, यानी पानी की तुलना में जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है मरकरी का सरफेस टेंशन कैसा होगा। ज़्यादा होगा, समान होगा या फिर मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ ग्लास ट्यूब या फिर कम होगा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय ओवर रेनफोर्सिंग बीम द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड नॉट मोर देन। पूछा है कोई आपकी एक ओवर रेनफोर्सिंग बीम है उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ तक इंक्रीज किया जा सकता है। 0.2 तक, 0.25 तक,
0.1 तक या फिर 0.15 तक, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 0.25 तक। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ, नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि किस केस में जो ब्रिक वर्क है उसे क्यूबिक मीटर में नहीं मापा जा सकता है। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, हाफ ब्रिक वर्क, वन और मोर देन वन ब्रिक वॉल, या ब्रिक वर्क इन आर्क। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो आपका प्रबलित ईंट कार्य होता है इसे क्यूबिक मीटर में मापते हैं, और आपका वन एंड मोर देन वन ब्रिक वॉल जो होती है इसे भी क्यूबिक मीटर में मापते हैं, और जो आपका मेहराब बनाने में ब्रिक वर्क होता है उसे भी क्यूबिक मीटर में मापते हैं, लेकिन जो आपकी हाफ ब्रिक वॉल होती है 10 सेंटीमीटर या 4 इंच वाली, इसे जो है स्क्वायर मीटर में मापते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, इसे जो है क्यूबिक मीटर में नहीं मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आरसीसी कॉलम इज ट्रीटेड एज लॉन्ग इफ इट्स स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कोई एक आरसीसी कॉलम है उसे एज ए लॉन्ग कॉलम माना जाएगा अगर उसका स्लेंडरनेस रेशियो यानी तनुता अनुपात किससे ज़्यादा हो। ऑप्शंस आपको दिए हैं 35 से ज़्यादा हो, 50 से, 40 से, या फिर 30 से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, अगर किसी आरसीसी कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो 50 से ज़्यादा है तो उसे एज ए लॉन्ग कॉलम माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द व्हीकल इन केस ऑफ इनेमल पेंट इज यूजुअली, यानी आपका जो इनेमल पेंट होता है उसमें कौन वाहक होता है, लिंसीड ऑयल यानी अलसी का तेल, पानी, वर्निस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके इनेमल पेंट में जो है वाहक के रूप में काम करता है वर्निस, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट इज, ऑप्शन आपको दिए हैं डिटेल्ड एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूब रेट एस्टीमेट, या फिर प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। तो जो सबसे मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट होता है वो होता है डिटेल्ड एस्टीमेट, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मेजरमेंट इज मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, पूछा है निम्नलिखित में से किस मेजरमेंट को जो है स्क्वायर मीटर में लिया जाता है, आरसीसी स्ट्रक्चर्स को, सीमेंट कंक्रीट जो होती है फाउंडेशन में, या जो होलो कंक्रीट ब्लॉक वॉल बनती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जितने भी ऑप्शन दिए हैं इन सबको मेजर किया जाता है क्यूबिक मीटर में। अगर यहाँ पर फ्रेमवर्क होता तो शायद आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली चेटेलियर अपार्टस इज यूज टू परफॉर्म, जो ली चेटेलियर अपार्टस होता है उसका यूज किसे परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, साउंडनेस टेस्ट के लिए, फाइननेस टेस्ट के लिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। तो आपका जो ली चेटेलियर अपार्टस होता है उसका यूज करते हैं साउंडनेस टेस्ट के लिए, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टू वेट कंक्रीट में काउज, यानी अगर कंक्रीट जो है वो ज़्यादा गीला है तो उससे क्या हो सकता है, वीकनेस ऑफ कंक्रीट,
यानी कंक्रीट जो है आपका वीक हो जाएगा, एक्सेसिव लाइटेंस या सेग्रीगेशन हो सकता है या ऑल द अबव। तो अगर कंक्रीट जो है वो ज़्यादा गीला है तो उसमें ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टील जनरली यूज्ड इन आरसीसी वर्क इज, आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि आरसीसी वर्क में जनरली किस स्टील का यूज किया जाता है, माइल्ड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, स्टेनलेस स्टील का या फिर हाई टेंशन स्टील का। तो आरसीसी वर्क में जो है जनरली यूज किया जाता है माइल्ड स्टील का, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इज ए गिवन मास ऑफ ए सॉइल इज नोन एज, किसी सॉइल मास पर वेट ऑफ वाटर यानी पानी का वजन और वेट ऑफ सॉलिड जो भी ठोस होंगे उसके वजन का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, वाटर कंटेंट कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है, वॉइड रेशियो कहलाता है या फिर पोरोसिटी कहलाता है। तो ये कहलाता है वाटर कंटेंट, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्यूशन केसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू दिस टाइप, यानी पोल्यूशन केस जो होते हैं उन्हें कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है, 5 में, 2 में, 6 में या फिर 4 में। तो इन्हें क्लासिफाई किया गया है 2 में, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ ए स्टेप इन ए स्टेयर केस इज नोन एज, यानी जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उनमें स्टेप का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, फ्लाइट के नाम से, राइजर के नाम से, थ्रेड के नाम से या फिर हॉर्न्स के नाम से। तो स्टेयर केस में जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, ठीक है, तो इसे जाना जाता है थ्रेड के नाम से, और अगर इस वाले पोर्शन की बात की जाती तो इसे जाना जाता है राइजर के नाम से, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज, पूछा है जो आपके ट्रांजिशन कर्व होते हैं उनकी आइडियल शेप कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो है आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूम ऑफ द अर्थवर्क मे बी कैलकुलेटेड बाई, जो भी अर्थवर्क होता है यानी खुदाई कार्य उसका आयतन जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन एरियाज द्वारा, एंड एरियाज द्वारा, ट्रेपोजॉइडल द्वारा या फिर ऑल द अबव, इसे निकालते हैं ट्रेपोजॉइडल द्वारा, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रेसिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय, ग्लेशियर द्वारा, विंड यानी हवा द्वारा, पानी द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो रेसिडुअल सॉइल होती है दिए गए ऑप्शन में से, ऑप्शन डी सही रहेगा। आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन आउटर फेस ऑफ लेंस ऑफ ए प्लेट गर्डर इज नोन एज, इसे ओवरऑल डेप्थ कहते हैं, क्लियर डेप्थ कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं या फिर इनमें से कोई, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं ओवरऑल डेप्थ। आज के इस वीडियो में हमने NBCC जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 11/7/2021 को, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।